नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे हरिओम पाइप के बारे में। इस कंपनी की बात करते, इस कंपनी ने आज के दिन एक नया हाई लगाया। हालांकि दोस्तों, कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में जल्दबाजी आपको नहीं करना है। हो सकता है दोस्तों कि तेजी भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि किसी रिटेल स्टोर को लगता है दोस्तों कि कंपनी तेजी है तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट अच्छे आएंगे। वहीं पर किसी रिटेल स्टोर को यह भी लगता है दोस्तों कि क्वार्टर के रिजल्ट के पहले तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, तो हम इसमें जो है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, तो दोनों वे में आपको जल्दबाजी नहीं करना, जिससे रिलेटेड मैं आगे अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा कि आप सेल भी कर देंगे तो भी पछताएंगे, और मतलब जो अगर बाइंग भी कर लेंगे तो भी पछताएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे कंपनी की बात करें तो कंपनी के 30 मई को जो है कि रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट से पहले इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। आगे हरिओम पाइप के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की बात करें तो आज के दिन लगभग 3% के आसपास कंपनी ने तेजी दिखाया। हालांकि दोस्तों, यहां तक तेजी दिखाने के बाद कंपनी कंसोलिडेट फिर आखिरी क्षण में स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। वहीं पर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी दोस्तों, और एक साल में 200% का रिटर्न बना के दिया। मतलब मेटल सेक्टर की बात करें तो ये महा मल्टीबैगर बन के अभी तक साबित हुआ है। वहीं पर अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 161%। दरअसल देखा जाए तो 13 अप्रैल 2022 में ये कंपनी लिस्ट होती, लगभग वही 250 के प्राइस पे आती है, और अभी तक देखा जाए तो कंपनी ने 200% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है। हालांकि दोस्तों, 200% की बात करें तो यहाँ पर जो 161% दिख रहा है, लेकिन यहाँ से लो से और हाई की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 200% के ऊपर ही रहेगा, जो कि आप यहाँ से एग्जिट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 225% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। इस स्टॉक में जल्दबाजी क्यों नहीं करना है दोस्तों, जिससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं किस कंपनी ने आज ही के दिन एक नया हाई लगाया। 25 मई 2023 को 605 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया। लो की बात करते 180 रुपये का कंपनी का 20 जून 2022 में था। वहीं पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते। देखिए दोस्तों, यहाँ मात्र 75,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 60% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों, अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 30 मई को जो है कि कंपनी में बोर्ड मीटिंग होंगे। स्टॉक में आपको जल्दबाजी क्यों नहीं करना दोस्तों, जिससे रिलेटेड अभी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, कंपनी करती क्या है तो देखिए दोस्तों, बताना चाहते हैं कंपनी जो बिजनेस करती है, इस बिजनेस में दोस्तों ऑलरेडी जो है कि बहुत सारे कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो है मतलब कुछ कंपनी का बेसिक बिजनेस क्या हो जाता है दोस्तों, कि कंपनी एक विशेष लोकेशन पे की बात करें दोस्तों, तो उस लोकेशन पे जो है कि मतलब उसका बिजनेस ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी जो है कि तेलंगाना बेस्ड कंपनी, जो कि हैदराबाद में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, वहीं पर कंपनी की बात करते, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों, साउथ इंडियन मार्केट में जो है कि अच्छा बिजनेस देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप टाइप की, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, मतलब ये बहुत ही रिस्की कंपनी दोस्तों। आज 200% का जो रिटर्न देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि 80% ये कंपनी डाउन भी हो सकती है, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो आरओसी आरओई अभी तक सब बेस्ट है दोस्तों, और कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 का है। हालांकि दोस्तों, इसमें जो जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करने का मतलब कि कुछ इन्वेस्टर दोस्तों करेंगे क्या कि स्टॉक टॉप पे है, चलो सेल करके निकल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताते हैं कि ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे, सबके रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, मतलब देखिए, इसके जो कंपटीटर दोस्तों, इसके जो कंपटीटर हैं, इनके सबके रिजल्ट अभी तक अच्छे ही देखने को मिले हैं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, कंपनी का जो बिजनेस है वो साउथ इंडिया में ही मार्केट लीडर आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी इतना कुछ खास देखने को मिलते नहीं, तो इसको जो है कि मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इजीली बीट भी कर सकती है कंपनी। वहीं पे दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कि जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के 3,000-4,000 के जो मतलब सेल्स है दोस्तों हो रहे हैं, तो इस कंपनी की बात करें तो 150 करोड़-125 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें जो मार्जिंस है, मार्जिंस भी देखा जाए तो अदर कंपनी के मुकाबले अच्छा है। तो आपको जल्दबाजी यही नहीं करना है कि हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के पीएनएल की बात करें तो अभी तक ग्रोइंग मोड में है। सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंपनी के 8 करोड़ से मतलब सीधा 15 हो गए, 15 से 32 सीधा डबल किया है कंपनी ने। इस पॉइंट को नोट कर सकते, हो सकता है दोस्तों कि इससे तो इसका जंप ही रहेगा, तो इस पॉइंट से ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही हो सकते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें लगभग 40 से 50% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। सीजीआर भी कंपनी आप देख सकते हो, जस्ट अभी भी मार्केट में आई कंपनी है और 200% का एक साल में रिटर्न बना के दे। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का 25
के आसपास है। वहीं पे कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये छोटी सी कंपनी दोस्तों 220 करोड़ का रिजर्व्स है और लगभग 80 करोड़ का डेट। दोस्तों इसमें जो रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट ये है कि जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी दोस्तों, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी तक मतलब बहुत सारे ऐसी मेटाल वाली कंपनियां दोस्तों जो कि आई, उसके प्रमोटर की बात करें तो अभी तक उन्होंने सेम ही रखा है, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इन्होंने अभी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया, तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। वही भी दोस्तों अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस देखा जाए तो अभी दो क्वार्टर से सेम ही रखे, इसके पहले मतलब उन्होंने सेल किया था उसके बाद बाइंग किया। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो है कि सीधा आधा हो गए, मतलब देख सकते हैं सेल किया, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जहाँ पर मतलब रिटेल इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो किसी भी स्टॉक में मतलब तेजी देखने को मिलती है तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बाइंग कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें जो रिस्की पॉइंट है क्या दोस्तों कि अगर आप मतलब जो प्रमोटर है दोस्तों एक पूरा गुप्ता ग्रुप देखने को मिलेगा यहाँ पे, कुछ एयूएफ एचयूएफ की बात करें दोस्तों तो ये भी जो आपको हफ देखने को मिल रहा है, ये राकेश कुमार हफ की बात करें तो उसके बाद देखा है सो तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ मतलब इंडिविजुअल पर्सन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब जो 36% का स्टेक देखने को मिल रहा है, लगभग इसमें 20% के आसपास स्टेक जो है कि इंडिविजुअल पर्सन ही देखने को मिल रहे। तो इस पॉइंट से देखा है सो तो मेरे पॉइंट से ये कि निगेटिव भी आप कर सकते हैं और एक प्रकार से ये रिस्की भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों रिस्की होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाँ जो जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप एक बार के लिए देखिए प्राइस कहेंगे भाग जाएगा 1000 चला, देखिए दोस्तों जाने दीजिए, अभी आपने बाइंग कर लिया और कंपनी 1000 पे चली गई, हो सकता है दोस्तों कि अभी आप देख रहे हो 30 मई की बात करें तो 30 मई से पहले इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आज भी कंपनी 200% का रिटर्न बना के दे रही है, वहीं पे प्रमोटर ने लगभग 6% का स्टेक सेल कर दिया, डीआईएस ने भी दोस्तों आधा कर दिया, मतलब जो कि उनके पास 0.36% का स्टेक था वहीं पर देखा है तो अभी वो 0.18% पर आ गए, तो मतलब देखा है जो निगेटिव है, निगेटिव डीआईएस और प्रमोटर ने सेल किया है। अभी मतलब जो कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, और जब से मतलब पुराने रिजल्ट की बात करें तो आप सोच रहे हो 2000-3000 का करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी, तो ऐसा ये भी नहीं दोस्तों, कंपनी का एक ही लोकेशन पे बिजनेस चलता है वो भी साउथ इंडियन की बात करें तो वहाँ पर कंपनी जो है कि मतलब डोमिनेट करती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि 200 करोड़ का सेल्स हो जाए, तो हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए दोस्तों तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक जबरदस्त पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो कंपनी एक साल में 200% का रिटर्न बना के दे देगी तो उसमें जो है कि गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, जब कंपनी मार्केट में आई थी तो उस समय ये कंपनी नहीं चल रही थी, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि लगभग ये कंपनी देखा जाए तो वही मतलब इतना कुछ खास तो नहीं कह सकते, फिर भी जो है कि कंपनी डाउन ही थी 20-25%, उसके बाद जो है कि कंपनी ने चलना स्टार्ट किया। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में कितनी गिरावट होगी इस चीज़ को भी नहीं कह सकते, कितनी तेजी आएगी दोस्तों इस चीज़ को भी मैं नहीं कह सकता, कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देखने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू दोस्तों।